फाइनली जिस स्मार्टफोन का सभी लोग काफी समय से इंतजार कर रहे थे वो स्मार्टफोन आज यूरोप मार्केट में लॉन्च हो चुका है। मैं बात कर रहा हूँ पोको F3 5G स्मार्टफोन के बारे में। इस स्मार्टफोन का काफी सारे लोग इंतजार कर रहे थे क्योंकि ये स्मार्टफोन पोको F1 स्मार्टफोन का सक्सेसर है। और दोस्तों ये स्मार्टफोन एक फ्लेक्सिव किलर स्मार्टफोन है जिसके बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपको सारी डिटेल्स बताने वाला हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। ये स्मार्टफोन Redmi K40 स्मार्टफोन जो कुछ हफ्ते पहले चाइना में लॉन्च हुआ था उसी का रीब्रांडेड वर्जन है। लेकिन रीब्रांडेड वर्जन होने के बावजूद भी ये स्मार्टफोन एक काफी अच्छा स्मार्टफोन है क्योंकि यहाँ पर हमें फ्लेक्सी लेवल के फीचर्स मिल जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमें एक 6.67 इंच की फुल HD प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिलती है जहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट एंड 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट मिल जाता है जिसकी वजह से जो लोग गेमिंग ज्यादा करते हैं उनको इस स्मार्टफोन में काफी अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाएगा। सिर्फ गेमर को ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिलेगा इस स्मार्टफोन में, जो लोग काफी ज्यादा मूवीज और सीरीज देखते हैं उनको भी सबसे अच्छा एक्सपीरियंस मिल जाने वाला है क्योंकि इस स्मार्टफोन में HDR10 प्लस एंड DCI-P3 कलर गेमर का भी सपोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर 1300 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिल जाएगी जिसकी वजह से यहाँ पर काफी पंचियर कलर्स मिलने वाले हैं, यानी कि डिस्प्ले के मामले में ये स्मार्टफोन काफी अच्छा स्मार्टफोन होने वाला है। इस स्मार्टफोन की डिस्प्ले में 20 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल सेल्फी कैमरा भी मिल जाता है। इस स्मार्टफोन में जो पंच होल कैमरा है उसकी साइज काफी ही छोटी है। इसकी साइज मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। इस स्मार्टफोन में 20 मेगापिक्सल का सेंसर मिलता है जिसकी वजह से आप अच्छी सेल्फी भी खींच पाएंगे और वीडियोस भी अच्छी तरह से शूट कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन के रियर कैमरास की बात करें तो रियर साइड पे ट्रिपल कैमरास दिए गए हैं जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस एंड 5 मेगापिक्सल का टेलीफोटो मैक्रो लेंस मिलता है। यहां पर जो प्राइमरी सेंसर यूज किया है वो है सोनी की तरफ से जो कि है सोनी IMX582। ये कैमरा सेंसर काफी अच्छा सेंसर है जिसकी वजह से आप अच्छे अच्छे फोटोज भी खींच पाएंगे और वीडियोस भी काफी अच्छे शूट कर पाएंगे। इस स्मार्टफोन के परफॉर्मेंस की बात करें तो यहाँ पर हमें काफी अच्छी परफॉर्मेंस मिलेगी क्योंकि इस स्मार्टफोन में स्नैपड्रैगन 875G का प्रोसेसर मिलता है जो कि स्नैपड्रैगन 865 प्लस का ओवरक्लॉक वर्जन है। यानी कि अगर आप गेमर हो, एडिटर हो या फिर ओवरऑल नॉर्मल यूजर भी हो तो आपको परफॉर्मेंस काफी ही अच्छी मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन की बैटरी की बात करें तो यहाँ पर 4520mAh की बैटरी मिलने वाली है जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 33W फास्ट चार्जिंग से। ये 33W का चार्जर हमें बॉक्स के अंदर ही मिलने वाला है। इस स्मार्टफोन के स्टोरेज एंड रैम टाइप की बात करें तो यहाँ पर UFS 3.1 बेस की स्टोरेज एंड LPDDR5M दिखने को मिल जाती है। इस स्मार्टफोन के पोर्ट्स एंड बटन्स की बात करें तो यहाँ पर पावर लॉक अनलॉक बटन, वॉल्यूम रोकर, टाइप सी पोर्ट मिल जाता है। यहाँ पर 3.5mm ऑडियो जैक नहीं मिलता और इस स्मार्टफोन में जो पावर बटन है वहां पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी मिल जाता है, यानी कि यहाँ पर हमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर मिलने वाला है, अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर नहीं मिलने वाला। इस स्मार्टफोन में अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि पोको वालों को कुछ कॉस्ट कटिंग भी करनी होती है इसीलिए। फिर दोस्तों पोको F3 स्मार्टफोन में ड्यूअल स्टीरियो स्पीकर्स भी दिए गए हैं जहां पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन की प्राइस की तो यूरोप मार्केट में इस स्मार्टफोन की स्टार्टिंग प्राइस है 349 यूरोस यानी कि करीबन 30,000 इंडियन रुपीस। लेकिन इंडिया में ये स्मार्टफोन जब लॉन्च होगा तब इसकी प्राइस इतनी ज्यादा नहीं होगी। यूरोप मार्केट में इस स्मार्टफोन की इंट्रोडक्टरी प्राइस है फर्स्ट सेल के लिए 299 यूरोस यानी कि करीबन 25,000 इंडियन रुपीस। और दोस्तों ये स्मार्टफोन 25,000 रुपीस की ही प्राइस पर इंडिया में लॉन्च हो जाएगा क्योंकि यूरोप मार्केट में सभी स्मार्टफोन्स की प्राइस ज्यादा ही होती है। पोको X3 स्मार्टफोन की भी प्राइस यूरोप मार्केट में ज्यादा ही थी लेकिन इंडिया में जब पोको X3 स्मार्टफोन आया तब उसकी प्राइस कम ही आई थी। इसीलिए पोको F3 स्मार्टफोन इंडिया में मैक्सिमम 25,000 रुपए की प्राइस पर लॉन्च हो जाएगा। लीक से ऐसी जानकारी मिली है कि पोको F3 स्मार्टफोन इंडिया में पोको ब्रांडिंग के अंदर लॉन्च नहीं होगा। ये स्मार्टफोन इंडिया में Mi 11X नाम से लॉन्च होगा ऐसी जानकारी मिली है। क्या आप लोग पोको F3 स्मार्टफोन या फिर Mi 11X स्मार्टफोन के इंडिया लॉन्च के लिए एक्साइटेड हो तो आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। ये था मेरा वीडियो पोको F3 के बारे में। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।